हेलो गाइस, वेलकम बैक दैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा मीसो प्रेस 200 mg टैबलेट के बारे में बात करूंगा। बहुत ही कॉमन टैबलेट है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में इसको जानते हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आप समझ जाएंगे टैबलेट को कब यूज़ करना होता है, किस चीज़ में यूज़ करना होता है और कब इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि किसी भी टैबलेट का ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं देना होता है। और इस टैबलेट की कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर उस कंडीशन में इस टैबलेट को दोगे तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा और बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, खासकर अगर किसी फीमेल पेशेंट को अगर आप दे रहे हैं और अगर वो कंडीशन है जो कंडीशन मैं बताऊंगा तो उसको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएंगे और आने वाले टाइम में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पूरा देख लेंगे तो मीसोप्रोस्ट के बारे में दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, इस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं मीसोप्रोस्ट 200 mg टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट होती हैं और उस स्ट्रिप की जो MRP होती है 75 रुपये होती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है मीसोप्रोस्टोल होता है 200 mg में। मीसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर इसे कुछ जनरल यूजेस की बात करें तो किसकी चीज़ में इस्तेमाल में लाया जाता है, इसको पेप्टिक अल्सर में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर अगर हम जैसे कि नसेड मेडिसिन लेते हैं जैसे आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल या फिर नीमोसिलाइड पैरासीटामोल रहते हैं। ये क्या नसेड मेडिसिन होती हैं, अगर इन मेडिसिन को लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पेट में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक इन टैबलेट्स को लेते रहते हैं तो पेट में इन्फेक्शन होता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर इस टैबलेट की वजह से, यानी जो पेन किलर दर्द को कम करने वाली गोलियाँ लगातार खाने की वजह से जो स्टमक अल्सर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए मीसोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अगर स्मोक वगैरह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैन स्मोकर होते हैं जिसकी वजह से भी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसको और जो इस्तेमाल में लाया जाता है सर्विक्स डायलेशन में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सर्विक्स डायलेशन का मतलब जैसे प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जैसे कि बर्थ का समय आता है उस समय सर्विक्स को डायलेट करने की जरूरत पड़ती है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए, तो उस समय सर्विक्स को डायलेट करने के लिए बच्चे का आसानी से डिलीवरी कराने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अगर अबॉर्शन हो जाता है किसी वजह से, किसी कारणवश अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। अगर बच्चा होने के बाद में, चाइल्ड बर्थ के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड छूटता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। ये तो बताया गाइस इसके मैंने कुछ यूजेस के बारे में। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसके मतलब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसके बर्थ इफेक्ट आते हैं, पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, पीरियड में दिक्कत आ जाएगी, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है इस टैबलेट की वजह से, सीवियर यूट्राइन पेन हो सकता है, यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, यूट्रस डायलेशन हो सकता है इस टैबलेट को लेने की वजह से। इसलिए इस टैबलेट को कभी खुद से मत लेना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तभी इस टैबलेट को लेना होता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कब कब इसको नहीं देना होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में इसको भूलकर भी मत देना, अगर प्रेगनेंसी है, अगर उसमें दे देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं दिया जाता है। अगर किसी को मीसोप्रोस्टोल से एलर्जी है इस टैबलेट को खाने के बाद में, तो उसको भी नहीं दिया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, कौन कौन सी और मेडिसिन होती है जिनके साथ में इसको बिल्कुल नहीं देना होता है, जैसे जितनी भी एंटासिड होती हैं, जैसे कि सीरप होते हैं, जितनी भी डाइजिन जेल हो गया या और भी जितने भी गैस के सीरप आते हैं या एंटासिड टैबलेट्स आती है, तो उसके साथ में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इनको हार्ट की डिजीज़ होती है, हार्ट की मेडिसिन चल रही होती है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, इनके साथ में भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको मीसोप्रोस्ट 200 mg टैबलेट के बारे में। हाउ सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।